सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके लखनऊ आवास पर श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश में 5 साल के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। ये प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। श्रीराम एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने करीब 318 एकड़ जमीन खरीदी है। इसके लिए प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच लीज एग्रीमेंट किया गया। क्या वायु सेवा केवल एक बड़े तबके तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कॉमन मैन भी जो हवाई चप्पल पहनता है वह भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। हमें ऐसी सेवा उपलब्ध करानी होगी और आज उसी का परिणाम है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मात्र 2 एयरपोर्ट ऐसे थे जो पूरी तरह क्रियाशील थे, प्रदेश की राजधानी लखनऊ का और प्राचीनतम नगरी काशी का। गोरखपुर और आगरा में एक एक वायु सेवा थी लेकिन वह कभी कभी ही चल पाती थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के 9 एयरपोर्ट वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। जहां 2017 तक हम केवल 25 गंतव्यों तक वायु सेवा दे पा रहे थे उसमें भी निरंतरता का अभाव था, आज हम 75 से अधिक गंतव्यों तक प्रदेश से वायु सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है और वर्तमान में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में राज्य सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है और अयोध्या में भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बनने के बाद जब ये दोनों एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे तो देश के किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक एयरपोर्ट भी होंगे और 5 एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा जो अपने बेहतरीन वायु कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को बेहतरीन वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाने कि एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पहले फेज के कार्य के लिए जमीन भूमि की पूरी आवश्यकता जितनी थी यह जिला प्रशासन अयोध्या ने इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। अब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जितनी लैंड हमें आवश्यक है उसमें मात्र 86 एकड़ लैंड बाकी है जिसे भी समयबद्ध ढंग से अगले 2-3 महीनों के अंदर पूरा करते हुए हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सकारात्मक सहयोग देने के लिए तत्पर है। मैंने देखा है वायु सेवा के बेहतरीन कनेक्टिविटी विकास के अनेक द्वार खोलती है। मुझे याद है जब गोरखपुर वायु सेवा से नहीं जुड़ा था वहां का विकास एक प्रकार से ठप सा पड़ा हुआ था, एक जड़ता सी आई थी, लेकिन जैसे ही वायु सेवा के साथ गोरखपुर जुड़ा 2017 तक एक वायु सेवा बामुश्किल वहां के लिए जुड़ी हुई थी और आज 12 से 13 वहां पर वायु सेवा से इतने विमान गोरखपुर में आते हैं और जुड़ी हुई है। जैसे हवाई जहाज की यात्रा एक नई उड़ान होती है वैसे ही विकास की एक नई उड़ान के साथ गोरखपुर भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर प्रदेश के अन्य शहर भी, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, बरेली, प्रयागराज, हिंडन, गाजियाबाद में, यानी तेजी के साथ
और मैं देखता हूं कि ज्यादातर जनप्रतिनिधि और समाज के प्रत्येक तबके के नागरिकों की एक हमेशा हमारे सामने डिमांड रहती है कि हमारे क्षेत्र को भी वायु सेवा से जोड़ दिया जाए।